वैसे तो मुल्क फिल्म स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ग्रिपिंग है, आपको अपनी सीट पर बैठने पर मजबूर करती है, जकड़े रखती है, लेकिन आखिरी 15 मिनट ऐसे हैं फिल्म के कि आपके जो हाथ हैं अपने आप क्लोज आएंगे और आप तालियां बजा देंगे। कुछ लोग तो सिनेमा घर के अंदर स्टैंडिंग ओवेशन भी दे रहे थे। नमस्कार, मैं हूं राहुल भोज, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल में। अनुभव सिन्हा जिन्होंने जिद बनाई, जिन्होंने रावण बनाई, दोस्तों फिल्म लेकर आए हैं। 3 अगस्त को रिलीज हुई है फिल्म जिसका नाम है मुल्क। अब क्या ये फिल्म देखने लायक है, क्या आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं, चलिए बात करते हैं इस रिव्यू सेक्शन में। सबसे पहले स्टोरी क्या है। स्टोरी है दोस्तों बनारस की। बनारस खूबसूरती दिखाई जाती है हमें, बनारस की घाट दिखाए जाते हैं, मोहल्ले दिखाए जाते हैं, तंग गलियां दिखाई जाती हैं, मतलब अल्टीमेट बनारस दिखाया जाता है। लेकिन इस बनारस में दोस्तों एक परिवार है, ठीक है, और ये परिवार के जो मुखिया हैं वो हैं ऋषि कपूर साहब, यानी कि उनका नाम है मुराद अली मोहम्मद। इनका बेटा टेररिस्ट एक्टिविटी में पकड़ा जाता है, तो भाई पुलिस कर्मी जो है पूरा शक घुमाकर फैमिली पर डाल देते हैं, और फैमिली को जो झेलना पड़ता है, बाय गॉड, क्या समाज ले लीजिए, क्या आस पड़ोस के लोग ले लीजिए, क्या पुलिस कर्मी ले लीजिए, क्या कोर्ट ले लीजिए, हर जगह पर उन्हें टेररिस्ट की नजर से देखा जाता है। अच्छा, इस परिवार की सबसे बड़ी बात ये है, ये एक मुस्लिम परिवार है, लेकिन इनकी जो बहू है वो एक हिंदू है, जो कि लॉयर टैप्सी पन्नू है, जिसका नाम है दोस्तों आरती मल्होत्रा, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों ये तो फर्स्ट हाफ की स्टोरी है, जो सब ऐसे बेसिकली जो है बैकग्राउंड बिछाया जाता है। सेकंड हाफ में कोर्टरूम ड्रामा हो जाता है, और कोर्टरूम ड्रामा में ये साबित किया जाता है कि क्या ये देशद्रोही है या फिर है देशभक्त। लेट्स सी, फाइंड आउट। ये तो भाई आप लोग फिल्म देखिए, फिल्म देखकर ही आप बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है। मैं आगे बढ़ता हूं, और ये स्टोरी बस इतना ही बता सकता हूं, मैं ज्यादा डिटेल नहीं बता सकता, ठीक है। बात करते हैं डायरेक्शन की, जो कि मेरा दिल जीत के ले जाता है, और आज 3 फिल्म रिलीज हुई जिनमें से ये डायरेक्टर की फिल्म सबसे ज्यादा हिट है दोस्तों। क्यों? क्योंकि अनुभव सिन्हा ने एक मैच्योर डायरेक्शन दिखाया है। फर्स्ट हाफ जो है कोर्टरूम ड्रामा नहीं है, सेकंड हाफ में कोर्टरूम ड्रामा बनता है, और वो इतना ज्यादा पेसी है, इतना ज्यादा जकड़े रखता है कि आपको मजा आ जाता है। कैरेक्टर्स जो हैं कोर्टरूम ड्रामा में, एक जज हैं कुमुद मिश्रा जी, एक वकील हैं जो कि अपने सरकारी वकील हैं, जिन जो हैं आशुतोष राणा जी, और मुस्लिम फैमिली जो है उनकी वकील है तापसी पन्नू, जो कि उनकी बहू है, जो घमासान एकदम बातों पे बात, इधर का उधर, जो एक्चुअल कोर्ट में होता है। जॉली एलएलबी 2 आई थी, आपको याद होगा दोस्तों, जॉली एलएलबी 2 में कोर्टरूम ड्रामा मैंने थोड़ा मिस किया था, लेकिन जॉली एलएलबी 1 में जबरदस्त कोर्टरूम ड्रामा था। वहीं अगर हम पास में देखें दोस्तों, तो बहुत सी ऐसी कोर्टरूम ड्रामा फिल्म आ चुकी है जहां पर इंट्रीगिंग लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है हमें कोर्टरूम ड्रामा देखने के लिए। अच्छा हाँ, पर्सनली मुझे फिल्म देखते देखते शाहिद फिल्म की याद आ गई थी, हंसल मेहता की फिल्म थी, जहां पर कोर्टरूम ड्रामा को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से दिखाया गया था। यहां पर एक बहुत ही लाउड माउथ आशुतोष राणा जी का कैरेक्टर है, जो कि वकील है, जो कि मतलब उनकी सोच यही है कि फैमिली भी टेररिस्ट है, क्योंकि फैमिली भी उसी गतिविधियों में है, फैमिली से ही इंकरेजमेंट मिलता है वगैरह वगैरह, तो बेसिकली आशुतोष राणा वही है। अच्छा हाँ, आशुतोष राणा की पास में फिल्म आती है धड़क धड़क फिल्म, जैसा ही कुछ लुक है उनका, बस मूछें नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा इविलिश कैरेक्टर लग रहे हैं वो देखने में, वैसे है नहीं, वो तो अपनी जॉब कर रहे हैं। बात करते हैं तापसी पन्नू की, तो तापसी ने जो दलीलें दी हैं बॉस, उन्हें देखकर पिंक फिल्म की याद आ गई। पिंक भी एक तरह से कोर्टरूम ड्रामा ही थी, लेकिन विमेन एम्पावरमेंट उसका अलग सब्जेक्ट था। तो पिंक में जिस तरीके से बच्चन साहब दलीलें देते हैं, तो तापसी यहां पर एकदम एग्रेसिव वे में आगे बढ़ती है, ठीक है। लेकिन फिल्म की सारी जो लाइमलाइट है वो चोरी करके ले जाते हैं ऋषि कपूर साहब। ऋषि कपूर इतने ज्यादा मंझे हुए कलाकार हैं, मुझे पर्सनली ऋषि कपूर जी का काम स्टार्टिंग से ही अच्छा लगता था, लेकिन फिल्म्स लाइक अग्निपथ ले लीजिए, ऋषि कपूर का काम ले लीजिए, 102 नॉट आउट का काम ले लीजिए, तो ऋषि कपूर साहब अपने जैसे जैसे वो बुढ़ाते जा रहे हैं, उनकी एक्टिंग और भी ज्यादा शानदार होती जा रही है, और कांटे की टक्कर दे रही है वो बिग बी को। आपको बता दूं दोस्तों, ऋषि कपूर ने अपनी एकदम आंखों से ही एक्टिंग की है, अपने हाव भाव से ऐसा लग ही नहीं रहा देखकर कि ये ऋषि कपूर है। ऋषि कपूर ने पूरी तरीके से जस्टिस किया है फिल्म के लिए, और फिल्म जो है वो डायरेक्शन के साथ साथ एक्टिंग के लिए ही बनी हुई है। अगर आप फिल्म को ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो फिल्म में हर एक चीज का पर्टिकुलर एकदम, चाहे अगर आप ये सीन है तो ये क्यों है उसको जस्टिफिकेशन देता है, ये सीन हुआ तो क्यों हुआ ये भी जस्टिफिकेशन देता है, तो ओवर एंड ऑल
फिल्म देखने लायक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों एडिटिंग की, क्योंकि एडिटिंग फिल्म की बहुत ज्यादा शार्प है, एजी है। एडिटर जो है वो है बालू सलूजा, जिन्होंने बहुत टाइट और ग्रिपिंग एडिटिंग की है, और प्लस बैकग्राउंड स्कोर बहुत ज्यादा रोंगटे खड़े करता है दोस्तों। जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर दिया उनका नाम मेंशन करना चाहता हूं, मिस्टर मंगेश धाकड़े। सभी लोगों ने फिल्म को आउटस्टैंडिंग बना दिया है और फिल्म वर्थ वॉचिंग है, जरूर जाइए फिल्म देखने के लिए। कोई ऐसे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है कि मुस्लिम समुदाय को ऐसे दिखाया गया है, हिंदू समुदाय को ऐसा दिखाया गया है। बस जो हमारे दिमाग में इनिबिशंस होते हैं, जो हमारे दिमाग में जो गलत ख्याल होते हैं, उन्हीं को डील करती है फिल्म। स्टार्स की बात करेंगे तो 5 में से 4 स्टार तो बनते हैं बॉस, क्योंकि ये फिल्म वर्थ इट है, देखने लायक है। फिल्म देखिए, अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी तरीके की अपडेट लाऊंगा मैं राहुल भोज आप लोगों के लिए, प्लस रिव्यूज अच्छे अच्छे। टेक केयर।